हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी भाइयों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं कोटवा धाम, जगजीवन साहब बाबा के दर्शन के लिए। और हम दो तीन लोग जा रहे हैं, और मैं इससे पहले जब गया था तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो आप सभी भाइयों को काफ़ी अच्छा उस पर प्यार देखने मिला। और आज मैं काफ़ी दिन बाद जा रहा हूँ कोटवा धाम, तो चलिए भाई देखते हैं कुछ कोटवा धाम में परिवर्तन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। और वैसे तो हमें जगजीवन साहब बाबा के दर्शन तो करने ही हैं। अभी हम कोटवा धाम पहुंच चुके हैं और हमें कोटवा धाम आने में लमसम 1 घंटा लगा है। और अभी हम यहाँ पे सीधे हम चलेंगे जगजीवन साहब बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद में हम मेला भी घूमेंगे। चलकर हम प्रसाद चढ़ाएंगे पहले, और पीछे जो ये सब दुकानें हैं हमें प्रसाद मिल रहा है। तो चलिए अभी हम दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद में हम मेला घूमेंगे। अभी हमने बाबा साहब के दर्शन कर लिए हैं, और इस साइड में एक सरोवर भी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक सरोवर भी है। और यहाँ पे सभी लोग तो स्नान नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग तो अपने घर से ही स्नान करके आते हैं, और बहुत कम लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। और ज़्यादा भाई सफा पानी भी नहीं है, देख पा रहे होंगे। और अभी हम सीधे चल रहे हैं कुछ चटपटी चीज़ें खाने के लिए, जैसे चाट मटर चाउमीन, ये ऐसी सारी चीज़ें खाने के लिए। क्या है कि सूरत गुजरात में ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मिलती नहीं है, तो हम जब गांव आते हैं तो ये सब हम काफ़ी शौक़ से खाते हैं, और हमें भूख भी लगी है। तो अभी हम चल रहे हैं भाई, कुछ खाएँगे फिर अपना हम मेला घूमेंगे।
दादा राम राम भैया राम राम। आज भारत वर्ष का बच्चा बूढ़ा जवान माता बहने सभी चुरमा लगाते हैं भैया। यहाँ एक कितबियो लागत यहाँ पे हिंदी लिखा है, ये संस्कृत लिखा है, हिंदी है, कई रुपए है, 50 कम लगा दियो, 50 के है यहाँ 128 पे है, नहीं लिया। अभी मैं कोटवा धाम से घर वापस आ गया हूँ और कोटवा धाम में मैं वीडियो एंड इसलिए नहीं कर पाया कि मैं माइक ले जाना भूल गया था। तो मैंने एंड किया था वहाँ पे वीडियो, लेकिन मैंने जो वीडियो शूट किया था उसमें कोई आवाज़ ही नहीं आया था, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था, इसलिए मैं घर आ गया और घर आकर मुझे दोबारा एंड करना पड़ रहा वीडियो। तो भाई कोटवा धाम में कोई ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है, पहले जैसा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा भी लगा घूमने में। बाबा साहब के दर्शन भी किए हमने और मेला भी घूमा और कुछ चटपटी चीज़ें भी हमने खाई, चाट मटर ये सब खाया और मेला भी घूमा, काफ़ी अच्छा लगा। तो इस वीडियो में यही था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।